तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा केसमूल हमेशा कुछ ना कुछ नया अपडेट्स करता ही रहता है। कभी कुछ ऐसे फीचर्स ला देते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, तो कभी कुछ ऐसे फीचर्स ला देते हैं जिससे हमारा दिल खुश हो जाता है। तो इस बार का जो नया दो अपडेट्स में आया है फीचर्स, इससे आप परेशान नहीं होंगे, दिल खुश हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, आपको एसमूल अपडेट कर लेना है। अब हम इसे ओपन करते हैं और प्रोफाइल में आना है। तो प्रोफाइल में यहाँ चैनल में जो देख रहे थे, ये नया अपडेट्स में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, आपको ये दिख नहीं रहा था कितने मतलब दिन हो गया है मेरा ये कोलैब का, कितने पुराने हैं, कितने लोग ज्वाइन किए हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये ओल्ड अपडेट्स में पहले था, नया में ये नहीं था। तो कुछ लोग इसको शिकायत किए, तो अब एसमूल ने क्या कर दिया, दोनों ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे आप ग्रिड लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से शो हो जाएगा ओल्ड टाइप के, ठीक है। और ये न्यू फीचर्स दोनों कर सकते हैं। आप किसी दूसरे के प्रोफाइल में भी जाएंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर क्लिक किए होंगे तो दूसरे के प्रोफाइल में भी ऐसे ही शो होगा, अगर ऐसे क्लिक करेंगे तो सबके प्रोफाइल में ऐसे ही शो होगा। ये पहला फीचर्स था। दूसरा जो अभी आया है ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फेवरेट जो था वो हटा के प्लेलिस्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पे आप अलग अलग प्लेलिस्ट बना सकते हैं। फेवरेट में ऑटोमेटिक आपका जितने भी फेवरेट किए हैं वो होगा। अब यहाँ पे आप अगर प्ले कर देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, आपका सॉन्ग कंटिन्यू प्ले होते रहेगा, जितने भी फेवरेट में सॉन्ग है सारे के सारे प्ले होगा। अब नया आपको क्रिएट करने के लिए क्या करना है, सिंपली किसी भी सॉन्ग में जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐड टू प्लेलिस्ट। अब यहाँ पे नीचे में ऑप्शन आ जाएगा ऐड न्यू प्लेलिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप अपना कुछ भी कर सकते हैं, जैसे माय फेवरेट या कुछ भी 19s, कुछ भी करके आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्रिएट हो जाएगा। अब इसे हम यहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, 19s क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप कोई भी फेवरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो सॉन्ग ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। अब किसी भी सॉन्ग को आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसमें आप मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ऐड टू प्लेलिस्ट में आए हैं। यहाँ पे फेवरेट का जो ऑप्शन था यहाँ पे अब हट चुका है, ऐड टू प्लेलिस्ट। अब जिस पे क्लिक करेंगे उसमें ये सॉन्ग चले जाएगा। इस तरह से आप नया नया प्लेलिस्ट बना सकते हैं और फेवरेट की जगह उसको अलग अलग प्लेलिस्ट में सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नया दो फीचर्स, आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करिएगा, और भी कोई प्रॉब्लम होता है तो भी कमेंट्स करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करना मत भूलिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।